14 सितंबर 1949 को विधानसभा में एक मत से हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया था। जटबंधन ने पेड़ के नीचे कुर्सी में डाला। भालू आकर बोला मुझको खांसी और जुकाम। बंदर बोला तुलसी पत्ते पीपल कीचड़ थाम। पानी में तुम इन्हें उबालो सुबह शाम को लेना। खांसी जब छुमंतर होए तभी फीस तुम देना। बिल्ली बोली मुझको आया 104 बुखार। मैं शिकार पर कैसे जाऊँ जल्दी इसे उतार। बंदर बोला रस गिलो का तीन बार तुम पीना। कल से ही तुम डांस करोगी इना मीना दीना। कितना सुंदर मुझे बनाओ। मैं ही दीपू सबसे सुंदर ऐसी बूटी लाओ। बंदर बोला गी कुवार का तुम दोनों समय लगाओ। चमकेगा कुंदन सा चेहरा फीस तू दे जाओ। चल निकला बंदर का धंधा अब वो मौज मनाता। सीधा किसी को भी मालूम नहीं था इसके पहले कि राष्ट्रीय हिंदी दिन क्या होता है, हमको कभी पता ही नहीं था, लेकिन आज पता चल गया कि राष्ट्रीय दिन होता है उस दिन हिंदी बात करनी चाहिए। हिंदी जो भाषा है हमारी राष्ट्रीय भाषा है, राष्ट्रभाषा जो है उसका महत्व कब पता चलता है, जब हम हमारे महाराष्ट्र छोड़कर जब हम बाहर के राज्य में घूमने जाते हैं फिरने जाते हैं तब हमें हिंदी भाषा का महत्व पता चलता है। इसलिए हमें हिंदी भाषा बहुत अच्छी तरीके से सीखनी है, उसको पढ़ना है। आज हिंदी दिवस पर हिंदी अपनाने वाली अध्यापिका है किरणताई, सभी बच्चों ने बहुत अच्छी तरीके से हिंदी दिवस की तैयारी की, इसलिए मैं सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ और यहाँ पर रुकता हूँ। धन्यवाद।